पैठनी एक परंपरा है, बहुत सालों से चलती आ रही है और उसका एक रूप होता है, अपना रंग होता है। गोदावरी के हाथों बनी साड़ियाँ खास होती है। साड़ी बुनना भी एक कला है और साड़ी एक कलाकृति है। हमारी पहचान क्या है? पैठनी बुनने वालों को पैठनी पहनना नसीब नहीं होगा। और कितनी साड़ियाँ बुनोगी बुदा? मुझे लगता है ये मेरी आखिरी पैठनी होगी। आई ने मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे पालने पोसने के लिए दिन रात पैठनी को बुना है, अब वही ये पहनेगी। 8 लाख वाली गोदाई की साड़ी खरीदना चाहती हो? जिसने पहले पैसे दिए उसी के नाम से रिसीप्ट बनेगी। पर मैंने भी तो दिए हैं 10,000। सर उसी समय की विनय भानुशाली नाम की एक रिसिप्ट है, उन्होंने 3 लाख रुपए एडवांस भी दिए सर। वो ये तो कोई बड़ा आदमी लग रहा है। जब तक ये रिसीप्ट रद्द नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तू हिम्मत कर, तेरा काम होगा। आपने जो पैठनी बुक की है वो आपसे पहले मैंने बुक की थी। अब कुछ भी हो जाए मैं उसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। सारी जिंदगी इसे बुनते बुनते ये रूह में उतर आती है, लेकिन बदन कभी इसे लपेट नहीं पाता।